Let's improve English. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू लेट्स इंप्रूव इंग्लिश। आज फिर से मैं आपके लिए कुछ कमाल के सेंटेंसेस लेकर आ गया हूं। मैं आपको सिखाऊंगा किस तरीके से उन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोल सकते हैं। बहुत यूजफुल आपके लिए वीडियो होने वाली है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं है, कोई आपसे कुछ कहता है ना कभी कभी, ऐसा हुआ था यार मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं है। आप कह सकते हैं आई डोंट रिमेम्बर, यानी कि मुझे याद नहीं है। मेरा चार्जर लिया है? चार्जर उत्तरी यार, चार्जर तो मेरे दिमाग से निकल गया यार, भूल गया मैं। तो कैसे बोलेंगे कि मैं कुछ भूल गया? एक तरीका नहीं, बहुत सारे तरीके बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि आप तो जानते ही हो, अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो तो मैं एक चीज को कहने का एक तरीका नहीं, एक से ज्यादा तरीके बताता हूँ। एनीथिंग, कुछ भी, लाइक दिस, ऐसा तो यार मुझे कुछ भी याद नहीं है। क्या बात कर रहे हो तुम? व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? आई डोंट रिमेम्बर एनीथिंग लाइक दिस। When did this happen? I don't remember anything. मुझे तो कुछ भी याद नहीं यार, ऐसा कब हुआ था? ऐसा तो कुछ याद ही नहीं है मुझे। मैं ज्यादा ही जोर से हंसा, कभी कभी ना बहुत ही ज्यादा हंसी आ जाती है, बहुत तेज। तो बाद में सोचते हैं यार कुछ ज्यादा तेज हंस लिया मैं, लोग क्या सोच रहे होंगे, कैसे हंसता है पागलों की तरह। चलो जो भी है, इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई लाफ्ड टू लाउडली। टू लाउडली का मतलब होता है बहुत जोर से। अब ये सिंपल पास्ट है लाफ की सेकेंड फॉर्म, लाफ्ड। आई लाफ्ड टू लाउडली। जब आप टू करते हैं ना किसी चीज को, व्हेन यू डू समथिंग टू मच, दैट मींस यू डू इट मोर देन व्हाट इज नेसेसरी। यानी कि जो जरूरत है ना, कोई चीज जितनी जरूरत है, जितनी जरूरी है, उससे ज्यादा किसी चीज को कर लेना, मतलब उसको टू मच कर देना। टू कैसा वर्ड है? एक नेगेटिव वर्ड ये है, मतलब ये नेगेटिव सेंस देता है। आई लाफ्ड टू लाउडली, यानी कि मैं कुछ ज्यादा ही जोर से हंसा यार, इतनी जोर से नहीं हंसना चाहिए था। तुम्हें ऐसे कोई नहीं समझ सकता जैसे कि मैं समझ सकता हूँ, मैं तुम्हें बड़े अच्छे से समझ सकता हूँ। Nobody can understand you like I do। अभी यहाँ पर हमारा सेंटेंस बना Nobody, यानी कोई भी नहीं, can understand, कोई भी नहीं समझ सकता you, तुम्हें, like, जैसे कि I do, मैं समझता हूँ। तो यहाँ पर I understand बोलने के बजाय मैंने सिर्फ बोल दिया like I do, जैसे मैं करता हूँ। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि कोई आपसे बोले ना डू यू लव मी, ऐसे वो पूछ रहा है आपसे या पूछ रही है, जो भी है आपके केस में, डू यू लव मी, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? तो यार सच में प्यार करते हो ना, तो आप ऐसे बोलोगे ना आई लव यू। इसको बोलने के बजाय आप क्या बोल सकते हैं? यस आई डू। तो फ्रेंड्स ये स्टाइल होता है इंग्लिश में, इस तरीके से हम पूरी बात को कहने के बजाय शॉर्ट में ही बोल सकते हैं यस आई डू। सो डू यू लव मी, या तो आप कहेंगे आई लव यू, या फिर यस आई डू, हाँ मैं करता हूँ। हिंदी में भी तो ऐसे बोलते हैं यार, ऐसे बोलते नहीं है कि तू प्यार करता है क्या? हाँ करता हूँ ना। तो मैंने ये नहीं बोला ना हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ रोबोट की तरह, फिर से दोबारा सेंटेंस पूरा तो मैंने नहीं बोला है, मैंने सिर्फ इतना ही बोला है यस आई डू, हाँ मैं करता हूँ। खाना खा लिया है? हाँ खा लिया, हाँ खा लिया। अब ऐसे कौन बोलता है हाँ मैंने खाना खा लिया है, पूरा बोलने की जरूरत थोड़ी है ना, हम सिर्फ इतना ही बोल देंगे हाँ खा लिया, तू उससे मिल लिया, हाँ मिल लिया। तो वैसे इंग्लिश में भी है ना यार, हम सोचते हैं यार इंग्लिश इतनी मुश्किल क्यों है, इंग्लिश में इतने शॉर्ट्स है, इतना ये सब है, हिंदी में भी तो हम ऐसे ही बोलते हैं। खैर छोड़ो, इतना आगे नहीं जाते हम। सो नोबडी कैन अंडरस्टैंड यू लाइक आई डू, कोई भी तुम्हें ऐसे नहीं समझ सकता जैसे कि मैं समझता हूँ। वो अपनी नजरों में गिर गई है, अब भला कुछ कर दिया होगा ऐसा काम, अपनी नजरों में गिर गई है वो। इसे इंग्लिश में हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं वो देखिए आप, शी हैज फॉलन इन हर ओन आईज। एक तो सिंपल तरीका यह है इस बात को बोलने का, शी हैज फॉलन, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हुए हमने सेंटेंस को यहां पर बनाया है। फॉल की थर्ड फॉर्म फॉलन है, हैज के साथ थर्ड फॉर्म आती है, शी हैज फॉलन, वो गिर गई है, इन हर ओन आईज, अपनी खुद की नजरों में, अपनी खुद की आंखों में वो गिर गई है। या फिर हम इसे ऐसे बोल सकते हैं, She has lost her self-respect, यानी कि उसने अपनी self-respect खो दी है, यानी कि इसका मतलब यही बन रहा है अपनी नजरों में गिर गई है यार। या फिर आप चाहे तो ऐसे भी बोल सकते हैं, She is feeling degraded। Degraded का मतलब होता है disrespectful, यानी कि degraded यानी कि बहुत बुरा फील करना। She is feeling degraded यानी कि इसका मतलब यही बन रहा है कि वो अपनी नजरों में गिर गई है, बहुत बुरा फील वो कर रही है। एक बात को कहने के इंग्लिश में बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, अभी तो इनके अलावा भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बस मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से इंग्लिश में हम बातों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसे उसकी नजरों में और मत गिराओ यार, पहले ही वो बहुत दुखी है, पहले वो बहुत नाराज है अपने आप को लेके, अब उसे और मत गिराओ यार उसकी नजरों में। तो हम कह सकते हैं डोंट मेक हर फील मोर डिग्रेडेड। अभी यहाँ पर मैंने मेक का यूज किया है क्योंकि मेक एक पॉजिटिव वर्ब है। जब किसी को, जैसे कि आई मेड हर लाफ, मैंने उसे हंसाया, आई मेड हर क्लीन माई रूम, उससे मैंने अपना कमरा साफ करवाया, आई मेड हिम
टॉक टू हर, मैंने उससे बात करवाई. व्हेन यू मेक समबडी डू समथिंग दैट मींस यू टेल दैट पर्सन टू डू समथिंग, दैट मींस यू गिव सम काइंड ऑफ कमांड और ऑर्डर टू डू समथिंग. सो डोंट मेक हर फील मोर डिग्रेडेड, यानी कि उसे और भी डिग्रेडेड फील मत कराओ, उसे उसकी नजरों में और मत गिराओ यार, ज्यादा भाव मत खाओ. आम बोलचाल की भाषा में ना ऐसा कई बार कहा जाता है, तो इसे हम कह सकते हैं डोंट शो टू मच एरोगेंस, यानी कि बहुत घमंड मत दिखाओ, कहने का यही मतलब है ना. या हम कहेंगे डोंट एक्ट एरोगेंटली, यानी कि इतना एरोगेंटली मत बिहेव करो, इतना एरोगेंटली एक्ट मत करो, यानी कि इतना घमंड मत दिखाओ और ज्यादा भाव मत खाओ. या फिर एक और तरीका होता है इसे कहने का, आप कह सकते हैं डोंट एक्ट प्राइसी. वैसे तो प्राइसी का मतलब होता है व्हेन समथिंग इज वेरी एक्सपेंसिव देन वी कैन से दैट इट इज प्राइसी. Like I bought a jacket today, but it is really pricey. तो pricey अगर कुछ है तो मतलब वो बहुत महंगा है. यहाँ पर इस expression का मतलब ये बन रहा है don't act pricey, यानी कि इस तरीके से behave मत करो कि तुम बहुत ही बड़े हो, मतलब ज़्यादा भाव मत खाओ, कि जैसे कि तुम महंगे हो. मतलब कहने का sense बन रहा है कि ऐसे मत behave करो जैसे कि बड़े ही बहुत बड़े हो, तो मतलब ज़्यादा भाव मत खाओ, ऐसे बोला जाता है. तो अब से आपको पता है इसे English में कैसे कहेंगे. मुझे वो काफ़ी पसंद आया, मुझे वो काफी पसंद आया, इसे कहेंगे आई रियली लाइक्ड हिम या फिर इट. अभी अगर आप किसी चीज की बात करें ना कि कोई चीज है वो आपको बहुत पसंद आई है, तो आप इट बोल सकते हैं. लेकिन अगर वो कोई पर्सन है तो आप हिम बोलेंगे. आई रियली लाइक्ड हिम, ये कौन सा सेंटेंस है? सिंपल पास्ट का सेंटेंस है ये, इसलिए इसके अंदर क्या आया है? लाइक्ड आया है, लाइक की सेकेंड फॉर्म. आई रियली लाइक्ड हिम यानी मुझे वो बहुत पसंद आया. अगर वो कोई चीज है तो आई रियली लाइक्ड इट. अगला सेंटेंस देखिए, तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? तुम इतना बुरा क्यों फील कर रहे हो? हम कहेंगे व्हाई आर यू फीलिंग सो सैड. सो सैड मतलब इतना बुरा क्यों फील कर रहे हो तुम इतना सैड क्यों रहे हो? या हम कह सकते हैं व्हाई आर यू सो डिसअपॉइंटेड. व्हेन समबडी इज डिसअपॉइंटेड दैट मींस ही और शी इज वेरी सैड बिकॉज समबडी हैज प्रोबेबली डन समथिंग रॉन्ग टू देम. डिसअपॉइंटेड का मतलब होता है निराश फील करना, नाराज फील करना, जैसा कि हमारा सेंटेंस कह रहा है यहाँ पर. तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? तुम इतना नाराज क्यों रहे हो? Why are you so disappointed? आज बड़ा प्यार आ रहा है आपको मुझ पर. कभी कभी सही में यार किसी को हम पे कुछ ज्यादा ही प्यार आता है तो हम ऐसी बात कहते हैं, आज बड़ा प्यार आ रहा है. तो हम कहना चाहते हैं यार ये कैसे पॉसिबल है, आज क्या कमाल हो गया. तो हम कहेंगे हाउ कम यू आर शोइंग अ लॉट ऑफ लव फॉर मी टुडे. यहाँ पर मैंने हाउ कम का यूज किया है. हाउ कम आप जब यूज करते हैं जब आप कहना चाहते हैं कि आप बहुत सरप्राइज्ड हैं, यानी यार ऐसा कैसे हो गया. You want to know the reason of something. आप किसी चीज़ का कारण जानना चाहते हैं यार ऐसा कैसे हो गया. जैसे कि how come you came late today? यानी आज तुम late कैसे आए. How come she likes you? यार वो तुझे पसंद कैसे कर रही है, मतलब example है. How come you are showing a lot of love? यानी कि ऐसा कैसे हो गया कि आप बहुत ज़्यादा lot of love, मतलब बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत सारा प्यार कैसे show कर रहे हो आज मेरे लिए तुम. For me today. आज कैसे इतना प्यार आ रहा है, कहने का मतलब ये बनता है. जो कुछ भी हो रहा है ना तुम ही कर रहे हो और कोई नहीं कर रहा, जो कुछ भी हो रहा है तुम ही कर रहे हो, ऐसे हम बोलते हैं कई बार. हम कहेंगे वॉट एवर इज हैपनिंग यू आर डूइंग इट. जब चीज अच्छे से डिफाइंड नहीं है ना कि किस चीज की हम बात कर रहे हैं, व्हेन वी आर नॉट श्योर अबाउट समथिंग देन वी कैन से वॉट एवर. वॉट एवर मीन्स वी आर नॉट श्योर ऑफ वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट. सो वॉट एवर का मतलब होता है जो कुछ भी हो रहा है ना. वॉट एवर इज हैपनिंग, हैपन में देखिए आईएनजी आया है क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यहाँ पर सेंटेंस फॉर्म हो रहा है. वॉट एवर इज हैपनिंग यानी जो कुछ भी हो रहा है, फिर मैंने यहाँ पर कॉमा लगाया, यू आर डूइंग इट. यहाँ पर जो इट है ये किसको रिफर कर रहा है, ये वॉट एवर को रिफर कर रहा है, यानी कि वॉट एवर इज हैपनिंग यानी जो कुछ भी हो रहा है ना, यू आर डूइंग इट, तुम ही कर रहे हो. तो फ्रेंड्स अगर आप किसी सेंटेंस के स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लेते हैं, उसकी ग्रामर को अच्छे से समझ लेते हैं, ग्रैप कर लेते हैं ना, तो आप इस तरीके के और बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं और अपने कन्वर्सेशन को काफी हद तक टू अ ग्रेट एक्सटेंट इम्प्रूव कर सकते हैं. दुनिया की कोई भी ताकत मुझे रोक नहीं सकती. आपने ठान लिया किसी काम को करने के लिए, आपको कोई रोक नहीं सकता. तब आप कह सकते हैं दुनिया की कोई भी ताकत मुझे रोक नहीं सकती. फिर हम कैसे कहेंगे नो पावर ऑफ द वर्ल्ड कैन स्टॉप मी. नो पावर ऑफ द वर्ल्ड का मतलब होता है इस वर्ल्ड की कोई भी पावर कैन स्टॉप मी, कोई भी पावर मुझे स्टॉप नहीं कर सकती. आपको समझाने के लिए मैं कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस और लिखता हूँ यहाँ पर. जैसे कि मैंने लिखा नो मैन कैन डिफीट मी, इसका मतलब होता है कोई भी आदमी मुझे हरा नहीं सकता. जैसे कि मैंने लिखा नो गर्ल कैन रिजेक्ट, नो गर्ल कैन रिजेक्ट
दिस, किसी चीज की बात हो रही है कि इस चीज को ना कोई भी लड़की रिजेक्ट नहीं कर सकती. नो गर्ल कैन रिजेक्ट दिस, नो मैन कैन डिफीट मी. यानी कि नो प्लस नाउन जब आप लगाते हैं ना, जब आप कहना चाहते हैं कि कोई भी इस नाउन की कैटेगरी में से ना कोई भी ऐसा नहीं हो सकता है, मतलब अब जरूरी नहीं यहाँ पर कैन ही आएगा, बस जब आपने नो प्लस कोई नाउन लगा दिया ना, मतलब कोई भी इंसान, आप ऐसे बात कर रहे हैं, कोई भी चीज, नो पावर ऑफ द वर्ल्ड, यानी इस वर्ल्ड की कोई भी पावर मुझे रोक नहीं सकती. अब यहाँ पर कांट मैंने क्यों नहीं लगाया, क्योंकि सेंटेंस को नेगेटिव तो मैंने ऑलरेडी बना दिया ना यहाँ पर नो लगा के, तो मैं यूं थोड़ी कहूंगा नो पावर ऑफ द वर्ल्ड कांट स्टॉप मी, वो तो गलत हो जाएगा ना यार, सुपरफ्लुअस हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव तो पहले सेंटेंस बन चुका है, नो पावर ऑफ द वर्ल्ड कैन स्टॉप मी. तो फ्रेंड्स, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पर फोकस कीजिए. अगर आप किसी चीज को अच्छे से समझ जाते हैं ना, तो आप बहुत आगे जाएंगे, और आप रटते रहेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी यार. समझने की कोशिश कीजिए बस आप. इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे से स्ट्रक्चर और ग्रामर अच्छे से समझा दूं, सब कुछ अच्छे से, ताकि आप कभी भी कंफ्यूज ना हो. तुम हर चीज में जान डाल देते हो. अब जान डाल देने का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि किसी के पास बहुत ज्यादा पावर आ गई है, कि भाई वो तो ऐसे फूक मारता है और किसी निर्जीव चीज में भी जान आ जाती है, पंखा खड़ा होकर बोलने लग जाता है मैं नहीं चल रहा, गर्मी है तो गर्मी है, मैं नहीं चल रहा, मैं थक गया. मतलब ऐसा नहीं है. जान डाल देने का मतलब होता है किसी चीज को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देना, और भी ज्यादा एंटरटेनिंग बना देना, बहुत ही एक्सक्विजिट अमेजिंग बना देना. तुम हर चीज में जान डाल देते हो ना, इसका मतलब तुम हर चीज को इंटरेस्टिंग बना देते हो. इसे हम इंग्लिश में कहेंगे यू मेक एवरी टॉपिक कम अलाइव. जैसे कि आप किसी टीचर को कह रहे हैं कि आप जो भी टॉपिक पढ़ाते हैं ना, कोई भी टॉपिक होता है ना, हर टॉपिक को यू मेक एवरी टॉपिक कम अलाइव. तो यहाँ पर भी मेक का यूज एज अ पॉजिटिव वर्ब हो रहा है, यानी कि आप हर टॉपिक को मेक कर देते हो कि वो कम अलाइव हो जाए, यानी कि उसमें जान से डाल देते हो. देखिए, आपको इसको समझने के लिए एक और सेंटेंस देखना है. तुम किसी भी चीज में जान डाल सकते हो. हम कह सकते हैं यू कैन विविफाई एनी टॉपिक, यू कैन एनलाइवन एनी टॉपिक. तो यहाँ पर मैंने आपको बताए हैं वर्ड्स विविफाई. विविफाई करने का मतलब होता है किसी चीज को इंटरेस्टिंग बना देना, उस चीज को बहुत ही ज्यादा अच्छा बना देना, उसमें जान डाल देना. एनलाइवन करने का मतलब भी यही होता है. ये दोनों आपस में सिनोनिम्स हैं, या फिर सिनोनिम्स जैसे कुछ लोग इसको प्रोनाउंस करते हैं. यू कैन विविफाई एनी टॉपिक, यानी किसी भी टॉपिक को ना आप विविफाई कर सकते हो, उसको बहुत ज्यादा जानदार बना सकते हो. वैसे ही आप एनलाइवन का भी यूज कर सकते हैं. और यहाँ पर तो मैंने आपको बताया था यू मेक एवरी टॉपिक कम अलाइव, तो ऐसे भी आप बोल सकते हैं. तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल लेट्स इंप्रूव इंग्लिश को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर देना. मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो लेसन में. तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय.